हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पुष्पा और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे आसानी से बनने वाला इंस्टेंट खोया, वो भी सिर्फ 3 चीजों से। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इसे कैसे बनाना है। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप मिल्क पाउडर, 2 चम्मच घी, आधा कप दूध। सबसे पहले पैन गर्म करें। पैन गर्म होने के बाद इसमें 2 चम्मच घी डाल दें। घी की जगह आप अनसॉल्टेड बटर भी ले सकते हैं। घी थोड़ा गर्म होने दें, अब इसमें आधा कप दूध डाल दें। दूध मैंने पहले ही उबाल कर ठंडा कर लिया था, उसके बाद ही मैंने इसे यूज़ किया। दूध को 2 मिनट तक गर्म होने दें, गैस का फ्लेम लो रखें। अब हम दूध और घी को आपस में चलाते हुए मिक्स करेंगे। ये देखिए, ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इस स्टेज पर हम धीरे धीरे करके मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। याद रखें, आप मिल्क पाउडर धीरे धीरे करके डालें और इसे लगातार चलाते रहें। ध्यान रखें इसमें लम्स ना पड़े। अब इस टाइम पर गैस का फ्लेम थोड़ा तेज कर दें। इसे हमें लगातार चलाते रहना है। इसे हमें 4 से 5 मिनट तक लगातार चलाते हुए पकाना है। इसे मैश करते हुए अच्छे से चला लें। याद रखें फ्रेंड्स, इसमें एक भी गुठली नहीं रहनी चाहिए। इसके साइड में जो दूध लगा है उसको भी हम अच्छे से छुटा लेंगे। इसको आपको लगातार चलाते रहना है ताकि ये जले नहीं। ये देखिए, अब ये थिक होना स्टार्ट हो गया है। इसे 2 मिनट और पकाएंगे। इसको अच्छे से मैश करते हुए पका लेंगे जब तक ये पैन ना छोड़ने लगे। ये देखिए, इसने पैन छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। अब इसे थोड़ा और पकाएंगे। इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। अब हमारा खोया तैयार है। अब गैस बंद करके इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। इस खोए से आप अपनी पसंद की कोई भी मिठाई बना सकते हैं। इससे आप खोए की बर्फी, लड्डू या पेड़े बना सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारा खोया कितना अच्छा बना है। इसे आप एक बार घर में जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और
चैनल को सब्सक्राइब करें।